बच्चों, हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में शरणार्थी समस्या आज उसका अध्ययन करेंगे। हमारा देश 15 अगस्त आजाद हुआ। देश के आजाद होने के बाद भारत का विभाजन हो गया। बहुत बड़ी घटना थी। भारत दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। विभाजन के पश्चात नया राष्ट्र जो अभी अभी बना है उसके समक्ष शरणार्थियों की समस्या एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या थी। आज हम उसके अध्ययन करेंगे कि शरणार्थी समस्या है क्या, इसके प्रभाव क्या थे, इसका परिणाम क्या निकला। तो पढ़ते हैं शरणार्थी समस्या। इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखने वाली मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 1 में वर्णित दो औपनिवेशिक राज्यों की स्थापना के अनुसार मुस्लिम बहुल लोगों को मिलाकर पाकिस्तान के निर्माण से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थी। उसका लक्ष्य भारत के सभी मुसलमानों के लिए नए राष्ट्र का निर्माण करना था, जो इसलिए संभव नहीं था क्योंकि यह समुदाय सदियों से सारे भारत के अलग अलग प्रांतों में अल्प व बहुसंख्या में निवास करता है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्माण के साथ ही भारत में बहुत सी समस्याएं पैदा कर दी और भारत में निवास कर रहे सभी मुसलमानों को धर्म के नाम पर भारत छोड़कर पाकिस्तान में आकर बसने का आह्वान किया। दूसरी ओर पाकिस्तान में निवास कर रहे लाखों हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ने के लिए विवश करना शुरू कर दिया। यहीं से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, जो शरणार्थी समस्या का कारण बना। अब विभाजन हो गया। विभाजन के बाद जो भारत में मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाने लगे और जो पाकिस्तान में बहुत अधिक संख्या में हिंदू थे उनका आगमन भारत में होने लगा। भारत का विभाजन भारतीय इतिहास के सबसे भयंकर त्रासदी वाली घटना थी। सदियों से भारत में रहने के बावजूद विभाजन के बाद मुस्लिम हिंदुओं के मध्य भाईचारे की भावना को शत्रुता में बदल दिया। कट्टरपंथी मुसलमानों ने स्थानीय मुस्लिमों को साथ लेकर हिंदुओं पर तरह तरह के जुल्म और अत्याचार करने शुरू कर दिए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हिंदुओं के मकानों में आग लगाना शुरू कर दी। स्त्रियों के पर अत्याचार बढ़ने लगे। इससे भारत और पाकिस्तान संबंधों में बहुत अधिक कटुता आने लगी। भारत ने पाकिस्तान की सरकार से अपने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा का दायित्व निभाने एवं मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार को बंद करने की अपील करते हुए यह सुझाव दिया कि शांति के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम वर्गों को इस बात का निर्णय करने की छूट दें कि वे किस देश में बसना चाहते हैं। पर अफसोस कि पाकिस्तान ने भारत की अपील के कोई अनुकूल प्रतिक्रिया न देते हुए हिंदुओं पर आतंक का वातावरण बनाए रखा। कट्टरपंथी मुसलमानों ने स्थानीय गुंडों के साथ हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वे अपना घर बार, जमीन जायदाद, व्यवसाय संपत्ति और को छोड़कर अपने परिवार सहित भारत की ओर जो भी साधन उपलब्ध हो सका उसका उपयोग करते हुए भागने लगे। भागते हुए परिवारों की अनेक गुंडों मुस्लिम गुंडों द्वारा हत्या करना शुरू कर दी गई, जिसके भारत में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। शरणार्थी समस्या का स्वरूप। विभाजन के बाद दोनों देशों ने सांप्रदायिक दंगों में शरणार्थी समस्या को जन्म दिया। सामान्य रूप से जब किसी देश के नागरिक राजनीतिक विद्रोह, प्रकृति के कहर, युद्ध, आतंकवाद आदि त्रासदियों से अप्रत्याशित मानवीय कारणों से मजबूर होकर आत्मरक्षा के लिए
किसी अन्य देश की सीमा का उल्लंघन करते हुए वहां शरण लेने के लिए विवश हो जाते हैं, तो इस तरह के लोगों को शरणार्थी कहा जाता है तथा इनके व्यवस्थापन, सुरक्षा, भोजन, आवास की व्यवस्था ही शरणार्थी समस्या कहलाती है। ये शरणार्थी अपने देश की स्थिति में सुधार होने पर वापस भेज दिए जाते हैं, पर कुछ परिस्थितियों के कारण अपनी जानमाल की सुरक्षा की गारंटी अपने वतन में न होने की आशंका से शरण लिए गए देश में ही स्थायी रूप से अपना निवास करने का निवेदन करते हैं। विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों का स्वरूप अत्यंत विभत्स था। पंजाब के प्रथम भारतीय गवर्नर सर चंदू लाल द्विवेदी के अनुसार केवल इस प्रांत में 2.25 लाख व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भारत पहुंचने वाली रेलगाड़ियों में लथपथ लाशें बहुत ज़्यादा मात्रा में थीं। भारतीयों ने यह दृश्य देखकर प्रतिक्रिया स्वरूप भारत के विभिन्न प्रदेशों में मुसलमानों के प्रति दंगे और आगजनी की घटनाएं दोहराने लगे। बंगाल के नोआखाली में गांधी जी ने हिंसा रोकने के लिए अनशन प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे दंगे शांत हो गए। इन दंगों का प्रभाव यह पड़ा कि भारत से भी लाखों संख्या में मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे। इन सभी मुसलमानों को सुरक्षा के साथ रेलगाड़ियों से पाकिस्तान सीमा तक पहुंचाने की व्यवस्था भारत सरकार ने की। शरणार्थियों के रूप में भारत में पहुंचने वाले समूहों को अत्यंत ही दर्दनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। अनुभव में श्री बी एल उपाध्याय ने इस घटना से संबंधित पुस्तक में दिए इन वाक्यों को पढ़ने के लिए किया जा सकता है कि बूढ़ी औरतें अपने बेटों के कंधों का, गर्भवती महिलाएं अपने पतियों का सहारा लिए, माताएं अपने दूध पीते बच्चों को गोद में उठाए भूखे प्यासे बढ़ते चले जा रहे थे। सैकड़ों मील तक चलता था और भी सैकड़ों मीलों तक चलते रहना था। औरतें पुरुष अपने सिरों पर बड़े बड़े गट्ठर लादकर जिसमें इन लुटे हुए लोगों की गृहस्थी का बचा खुचा सामान होता था, कुछ बर्तन, शिवाजी और गुरु नानक की एक तस्वीर या एक कुरान। ये शरणार्थी हिंदू, मुसलमान, सिख और अनपढ़ किसान थे। सबसे खराब हालात तो उन शरणार्थियों की थी जो कमजोर थे, भूखे या बूढ़े थे और बीच रास्ते में ही दम तोड़ते हुए अपना सफर पूरा ना कर सके। अब शरणार्थी समस्या का क्या प्रभाव पड़ा इसको देखते हैं। शरणार्थी कहीं से आए, उन्हें शरण स्थल में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भावनात्मक संवेदों से गुजरना पड़ता है। उसी तरह शरण स्थली बन राज्य को उनके व्यवस्थापन, पुनर्वास की समस्या से निपटने हेतु अनुकूल संपत्ति खर्च करते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से उपजे प्रभाव का अनुभव निम्नांकित तथ्यों के अध्ययन से कर सकते हैं। पहला, शरणार्थियों के व्यवस्थापन और पुनर्वास से बढ़ा आर्थिक बोझ। पाकिस्तान से विस्थापितों को दिल्ली के बहुत बड़े क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी शिविरों में रखा गया, जहां उनके आवास, भोजन, जल, स्वच्छता और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। साथ ही पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई। पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि प्रदेशों में बसाया गया। इन सब व्यवस्थाओं में भारत को अतः धनराशि खर्च करनी पड़ी, जो भविष्य में उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने का कारण बने। दूसरा है, शरणार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों की क्षतिपूर्ति की समस्या।
व्यवस्थापन मानकों के साथ भारत सरकार के शरणार्थी व्यवस्थापन एवं पुनर्वास मंत्रालय द्वारा शरणार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों के आंकड़े प्रमाणों सहित एकत्रित करना शुरू किया। आंकड़ों से पता चला कि लगभग 1 करोड़ गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में लगभग 50,000 लाख रुपयों की चल अचल संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। इसी तरह भारत से पाकिस्तान के मुस्लिम भारत में अपनी 10,000 लाख रुपये की जायदाद छोड़कर पाकिस्तान गए। भारत में पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति का आकलन पेश कर उसे क्षतिपूर्ति की मांग की। पाकिस्तान ने भी अपनी ओर से क्षतिपूर्ति के आंकड़े भारत को सौंपे। दोनों सरकार के अधिकारियों की प्रथम बैठक 29 अगस्त 1947 को हुई। दोनों सरकारों ने एक दूसरे के द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के सत्यापन के लिए समय देने पर सहमति बनाई। इस पर कोई निर्णय लेने पर सालों लग गए। अंत में 1955 में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें एक दूसरे के यहाँ के बैंकों या लॉकरों में जमा खातों के स्थानांतरण किए जाने की सहमति, साथ ही एक दूसरे के यहाँ छोड़ी गई चल अचल संपत्ति का आकलन शरणार्थियों को मुआवजे के रूप में दिया जाना स्वीकार किया गया। तीसरा है नेहरू लियाकत समझौता। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अप्रैल 1950 के मध्य एक समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने अपने यहाँ निवास कर रहे अल्पसंख्यकों की जान की सुरक्षा और विकास के समान अवसर के संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। कट्टरपंथी दलों के दबाव में पाकिस्तान अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने में असफल रहा। चौथी और सबसे बड़ी शरणार्थी समस्या थी पुनर्वास की। पाकिस्तान में से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी, जिनमें सिख और हिंदू प्रधान सिंधी प्रधान थे, पंजाब, दिल्ली, मुंबई शहरों के आसपास बस गए। भारतीयों के साथ शीघ्र ही घुल मिल गए थे, पर पाकिस्तान गए मुसलमानों को अनेक कष्ट उठाने पड़े। पंजाबी मुसलमान तो लाहौर के आसपास के क्षेत्रों में बस गए और उन्होंने शीघ्र ही पाकिस्तान की संस्कृति और भाषा से सामंजस्य बना लिया। किंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हैदराबाद से गए मुस्लिम शरणार्थी कराची और उससे लगे सिंध प्रांत में बसाए गए। वहाँ की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि से सामंजस्य नहीं बैठा पाए। पाकिस्तान ने उन्हें आज भी मुजाहिद या शरणार्थी कहा जाता है। वे आज भी अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। पाक में आज भी अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाई समाज अपने ऊपर निरंतर हो रहे अत्याचारों से पीड़ित होकर भारत में शरण लेने आ रहे हैं। ताजे आंकड़ों के अनुसार राजस्थान और पंजाब के वाघा बॉर्डर से प्रतिदिन 25 परिवार तीर्थ यात्रा का वीजा लेकर भारत आ रहे हैं और समय समाप्त होने पर पाकिस्तान नहीं लौट रहे। विश्व के समाचार पत्रों में इस तरह के समाचार प्रकाशित होने पर स्वयं पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जरदारी ने सिंध सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा और उनके यहाँ से पलायन को रोकने हेतु आवश्यक मानवीय कदम उठाने का निर्देश देने के लिए बाध्य होना पड़ा था। अब आता है शरणार्थी समस्या में बांग्लादेश का संकट। भारत को दूसरी बार शरणार्थी समस्या के साथ सामना तथा पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से जो आज बांग्लादेश कहा जाता है मैं पाकिस्तान के विरुद्ध प्रारंभ जन आंदोलन के समय करना पड़ा। 1970 में पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति आया खां के अत्याचारों से पूर्व पाकिस्तान की जनता इतनी परेशान हो गई थी कि उसने आवामी लीग के प्रमुख शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में तानाशाह के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। आंदोलन को कुचलने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग किया गया। सैनिकों द्वारा बहुत सी
अमानवीय कार्यवाही की गई और इस अमानवीय कार्यवाही से बचने के लिए आतंकित लाखों बांग्लादेशी भागकर भारत में शरण लेने के लिए आए। भारत में अचानक उत्पन्न शरणार्थी समस्या से बचने के लिए पाकिस्तान को अपने नागरिक वापस लेने का अनुरोध किया, पर पाकिस्तान द्वारा अनसुनी कर देने और उसके सैनिकों द्वारा सीमा रक्षक भारतीय सैनिक टुकड़ियों पर गोलाबारी जारी रखने से मजबूर होकर भारत को 1970 और 71 में सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कर नए राष्ट्र बांग्लादेश को जन्म दिया। भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान ने बांग्लादेश को नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बंगाली शरणार्थियों को धीरे धीरे अपने देश में बुला लिया और शरणार्थी समस्या हल हो गई। बच्चों, शिमला समझौता परीक्षा में आता है 2 का प्रश्न। फिर इसके बाद है अल्पसंख्यकों की समस्या। देश के विभाजन के उपरांत भी दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की समस्या बनी रही। भारत में हिंदू और सिख विभाजन के बाद भी वहाँ के नागरिक बने रहे। पाकिस्तान को एक मुस्लिम राज्य घोषित करने के बाद उनकी स्थिति द्वितीय स्तर के नागरिकों की हो गई। दूसरी तरफ भारत में आज भी विभाजन के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान बच गए थे, जिन्होंने भारत को ही अपना देश माना। इनकी जनसंख्या विभाजन के बाद देश की कुल जनसंख्या की 12% थी। भारत के संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया तथा अल्पसंख्यकों की भांति मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी संविधान में शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान किए गए। निष्कर्ष यह है कि भारत में अल्पसंख्यक पाकिस्तान की तुलना में अधिक सहज अनुभव कर रहे हैं। फिर भी आज़ाद भारत में समय समय पर होने वाले हिंदू मुस्लिम झगड़े कहीं न कहीं विभाजन की मानसिकता से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विभाजन के परिणाम काफी दुखद थे। सांप्रदायिक दंगे हुए, लोग घर से बेघर होकर शरणार्थी बने, उनकी इच्छा के विरुद्ध सब कुछ छोड़कर इधर उधर जाना पड़ा। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। भारत ने काफी समझदारी से इस राष्ट्रीय चुनौती का सामना किया और उसका समाधान किया।